मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के शीतलपुर परसौनी में रविवार को हुई अगलगी से करीब डेढ़ दर्जन घर जलकर स्वाहा हो गए। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते लाखों की संपत्ति को राख में तब्दील कर दिया। वहीं अगलगी में पिता पुत्री बुरी तरह जल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि शीतलपुर परसौनी वार्ड 11 निवासी विजय कुमार के घर में दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वही आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि डेढ़ दर्जन घरों सहित बाइक, मैजिक गाड़ी सहित गेहूं की फसल को भी चपेटे में ले लिया। घटना में विजय कुमार व उनकी पुत्री विक्की कुमारी 12 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं विक्की कुमारी को गंभीर स्थिति देखते हुए मुजफ्फरपुर SKMCH रेफर कर दिया गया। वहीं आग से दर्जनों से अधिक घर व संपत्ति जलकर राख हो गए। वहीं घटना में रवि साह का घर और किराने की दुकान जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची रही। घटना हुआ है कि दोपहर में सब लोग खाना पीना खा के और कुछ लोग खेत में थे, तब तक एकाएक बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट का लपटा उठा है, उसी बीच नीचे फूस पे गिरा है और आग अपना भीषण रूप ले लिया है। कितने लोगों का घर जला है? लगभग दर्जनों से अधिक लोग इसमें प्रभावित हुए हैं और लाखों का क्षति हुआ है, जिसमें जान माल का भी क्षति है। जान माल का है, 2 आदमी बुरी तरह झुलस गए हैं आग से, जिसमें विजय जी और उनकी बेटी है लगभग 12-13 साल की विक्की कुमारी, वो ज्यादा प्रभावित है आग से। और गाड़ी घोड़ा भी जला है। हाँ, गाड़ी में एक मैजिक गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, किराना सामान का एक दुकान था गांव में, ये सारा चीज प्रभावित हुआ है।